सरकार के कार्यों की लेने था। हरीश रावत ने पकड़ी गांव की राह, बीजेपी बोली ये चुनावी जोर, तभी मुखिया चले गांव की ओर, विकास यात्रा या चुनाव यात्रा। जी हाँ, ये सवाल इसलिए दरअसल मुख्यमंत्री हरीश रावत लगता है चुनावी मोड में आ गए हैं, क्योंकि योजनाओं और घोषणाओं की असलियत जानने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत 6 चरणों में जनता से संवाद करने के लिए राज्य के कोने कोने में जाएंगे। वहीं इस यात्रा पर उठ रहे हैं सवाल कि ये विकास यात्रा है या फिर चुनाव यात्रा। करीब 4 साल की हो चुकी हरीश रावत सरकार अब हालात और योजनाओं की हकीकत को जांचने के लिए जमीन पर उतरने की तैयारी कर चुकी है, जिसकी कमान खुद मुखिया हरीश रावत संभालेंगे। इसमें मैं लोगों से जरा सा जमीनी हकीकत भी कुछ, पहले से अब मेरी सेहत बेहतर है तो मैं लोगों को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि अब मैं जरा सा ठीक हो गया हूँ, और ये भी जानना चाहता हूँ कि वो ठीक हुए नहीं हुए, उनके हालात क्या है। 22 महीने के कार्यकाल में की गई सरकार की घोषणाओं को धरातल पर जल्द उतारना एक बड़ी चुनौती मान रही है सरकार। इसलिए तो 2017 के लिए कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तभी तो 6 चरणों की यात्रा में हर इलाके की नब्ज देखने निकलेंगे मुख्यमंत्री हरीश रावत। पहले चरण में अल्मोड़ा के मारचूला से धारचूला तक यात्रा, दूसरे चरण में हरिद्वार के खेड़ी सिकोपुर से दून के बालावाला तक यात्रा, तीसरे चरण में देवप्रयाग से घाटवाया नंदप्रयाग तक जाएंगे सीएम, चौथे चरण में जसपुर से टनकपुर के क्षेत्र में जाएंगे मुख्यमंत्री, पांचवें चरण में विकासनगर से उत्तरकाशी तक जनसंपर्क, छठे चरण में कोटद्वार से धुमाकोट तक जनसंपर्क। इस यात्रा के दौरान आसपास के हर गांव में जाएंगे मुखिया हरीश रावत, लेकिन बीजेपी कह रही है केवल महिमा मंडल में लगे हैं मुख्यमंत्री। मुझे तो लगता है कि मात्र चुनावी घोषणा, फिर लुभावने वादे करने की एक और रणनीति है उनकी, एक और षड्यंत्र है देश की जनता के साथ या राज्य की जनता के साथ, वरना इस तरह की घोषणाओं का कोई पहले भी कोई फायदा नहीं था, पहले भी कोई मायने नहीं थे, आज भी कोई मायने नहीं है। भले ही विधानसभा चुनाव 2017 आने में अभी समय हो, लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी चुनावी यात्रा में निकलने जा रहे हैं। जी हाँ, अपने मुख्यमंत्रित्व काल के 2 साल पूरे होने से पहले मुख्यमंत्री 6 चरणों में उत्तराखंड की डांडी काटियों में जाकर विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और जनता से योजनाओं के बारे में सलाह भी लेंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री की ये कोशिशें कितना रंग लाती हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। तो बीजेपी ने उठाया है मुख्यमंत्री की इस यात्रा पर सवाल, इससे सवाल ये उठ रहा है कि वाकई विकास यात्रा है या फिर चुनाव यात्रा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ हैं, इसके अलावा सीएम के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी लगातार बने हुए हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, आखिर दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री तो पहले भी मिलते रहे, जनसंवाद करते रहे हैं, फिर इस यात्रा पर सवाल क्यों? सवाल यात्रा पर नहीं है, सवाल नियत पर है, सवाल कथनी और करनी पर है। 4 साल सरकार चलाए, कभी इनको जनता की याद आई नहीं, अब चुनाव सिर पे हैं, अपनी हरकतों का, इनके करतूतों का जो वास्तविकता है लोगों के सामने आनी शुरू हो गई। जो लूट का माहौल है, जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जो अवैध खनन का धंधा है, जो शराब का काला कारोबार है, जिसमें यदि थोड़ी सी भी कोई अंधेरा कोना बचा हुआ है सरकार को छिपने के लिए, उसे तलाश रही है सरकार। मैं आपको बता रहा हूं गायत्री जी, इससे पहले हम कहते रहे, आप लोगों ने भी कहा भाई ये FL2 के ऊपर इतनी चर्चा क्यों, अब जाकर के नैनीताल के यात्रा से अलग हट रहे हैं। अब सुन लीजिए, यात्रा में सब कुछ है, तो प्रदेश अलग सब कुछ है गायत्री जी, अब टॉपिक से अलग, अब नैनीताल हाई कोर्ट ने कहा, नहीं नैनीताल हाई कोर्ट ने कहा कि वास्तव में जो स्टैंडर्ड ब्रांड्स है वो इनको नहीं दिए जा रहे हैं, सब स्टैंडर्ड ब्रांड्स दिए जा रहे हैं पर कोई वजह नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि अंडर टेबल डील है, जो अंडर टेबल डील का जिसका आरोप लगाते आए और लेते आए, नीति पर कोई निर्देश नहीं है। हाँ, नीतियों पे बात करो, नीतियों पे कोई बात नहीं करी, नीतियों पे ही बात करो, हाई कोर्ट ने नीति पे कोई बात नहीं करी। अरे भाई नीतियों पे क्या है, जब चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपके लोग तो जेल में बंद है, चोरी करते हुए पकड़े गए तो नीति काय बात की नीति, आपके तो दफ्तर में चोरी हो जाते हैं लाखों रुपए, धैर्य रखिए,
यही है, विषय से अलग जा रहे हैं। वास्तविकता यही है गायत्री जी, विषय अलग जा रहे हैं। प्रकार से एक प्रश्न से आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, यात्रा तक रखे अपने को सीमित जनसंपर्क यात्रा पर बोले जो बोलने हैं। सुरेंद्र जी से थोड़ा ना पूछ के आऊंगा, मुख्यालय हरीश रावत जी से थोड़ा ना पूछ के आऊंगा। भाजपा मुख्यालय इस सवाल का कौन सा जवाब देना है? पैसा पकड़ा जाता है कर रहे हैं हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। यात्रा पे सवाल जवाब दीजिए। नहीं नहीं, आपकी यदि कुवत है यात्रा के सवाल का जवाब दीजिए ना। यात्रा के अरे भाई मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक सवाल नहीं है। अमिताभ जी, मुन्ना सिंह चौहान नहीं कह रहा है, नैनीताल के नैनीताल के उच्च न्यायालय ने कहा सरकार के ऊपर टिप्पणी की। आपके बड़े नेता ने भी तो सवाल उठाया सुरेंद्र जी, ये तो न्यायपालिका ने सवाल उठाया, मैंने थोड़ा ना ठीक है। न्यायपालिका ने शराब की जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के बीच में जाएंगे तो ये सवाल नहीं पूछेंगे ठीक है। ऐसा लेकर के किसको क्या क्या शराब के नाम पे क्या पिला रहे हैं, तो सवाल नहीं पूछेंगे। ये तो आपके समय में शराब मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्यमंत्री का सचिव तो सरकारी धंधे के लिए शराब लोगों को अंडर टेबल डील करता रहा, शराब का सौदा करता रहा, हम सवाल नहीं पूछेंगे। ये तो आप बिल्कुल अपने अपना अनुभव कह रहे हैं, उसके लिए आप शराब के मुख्यमंत्री का हाथ नहीं उतारने वाले लड़ते हैं। मुख्यमंत्री का सरकारी हम सवाल उठाएंगे। सरकारी एजेंसी से काम छीन कर शराब सिंडिकेट को आपने दिया है, आपका शराब वालों से खनन माफियाओं से गहरा रिश्ता है ठीक है। ये तो आप रुकिए भाई, सुरेंद्र जी की अपनी रिपोर्ट है अंदर, सुरेंद्र अग्रवाल जी कहती है शराब वालों के यहाँ से पैसा आया जो पैसा चोरी हुआ। सुरेंद्र जी आप पहले दफ्तर में चोर बैठते हैं। सुरेंद्र जी रुक जाइए, मैं तीन बार बोल चुका मालिक करिए, अरे रुक जाइए। पर बोले यात्रा के ऊपर बोले, अगर सुरेंद्र जी बात करेंगे तो क्या फायदा है। सुरेंद्र जी रुक जाइए, भ्रष्टाचार का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता आपका चैनल। आप रुकेंगे नहीं कि मालिक, तो मैं भाई साहब के पास आऊं। कहिए ना कि विषय से अलग हट रहे हैं, तो आपके पास आएंगे तब आप नहीं बोल सकते। विषय के जिस डिबेट के लिए बुलाया उसके बाद लग जा रहे हैं। अरे भाई रुक जाइए, जब आपके पास आए तो जो कुछ कहना है कह दो। और माननीयवर इन्हें ये प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर अग्निहोत्री जी डिसाइड करेंगे इनका फॉर्मेट क्या है, अग्निहोत्री करेंगे सीमाएं क्या है, कांग्रेस तय करेंगे कि मैं कौन सा सवाल पूछना है। प्लेटफॉर्म थोड़ी है आपका चैनल। सुरेंद्र जी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं। इस सरकार देखिए इस समय जो विषय है उस विषय से हटकर नहीं बोलना चाहिए इन्हें। अरे भाई आप लगातार बोलते ही दिक्कत है आपका चैनल। सुरेंद्र जी बहस बंद कर दूं? नहीं मैं क्या, मैं तो बहस करने के लिए आया आपने। तो फिर रुकना पड़ेगा ना, पोस्ट लेना पड़ेगा। लगातार बोलोगे तो कैसे बहस आगे बढ़ाऊंगा, पोस्ट तो लेना पड़ेगा ना। आप वो तो चुप है, चैनल के मंच का अगर दुरुपयोग करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। कितनी बार बोलोगे तो मुझे आपको देना पड़ेगा। कितनी बार एक ही बात बोलेंगे आप, कितनी बार? तो दुष्प्रचार करने से रोकिए ना। हम करने देंगे क्या सुरेंद्र? इतना विश्वास तो रखिए, क्या हम अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने देंगे? अगर आप में अपनी ठीक है मैं मानता हूँ, अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए कि जब हमको अवसर मिलेगा तो हम दुष्प्रचार को धज्जी उड़ा देंगे। आप अपनी क्षमता पर भरोसा क्यों नहीं रखते? हमें तो आप पे भी भरोसा उतना ही है। नहीं अपनी क्षमता पर भरोसा करो। नहीं मैं तो आप पे भरोसा करके आया हूँ यहाँ। तो चुनाव का क्यों लड़ोगे? खैर छोड़िए, मुझे ये समझाइए, ये तमाम आरोप सरकार पर, कुछ सक्रिय विजय बहुगुणा भी हुए वो भी तलवार बाहर निकाल रहे हैं। पिछले तीन चार दिन से मैं देख रहा हूं लगातार सक्रिय हैं और लगातार कुछ बातें बोल रहे हैं ठीक है ना। भाजपा जितनी तीखी नहीं लेकिन 50% भाजपा वाली बातें ठीक है ना। विजय बहुगुणा जी भी बोल रहे हैं। इस माहौल में मुख्यमंत्री जनता के दरवाजे जा रहे हैं, अगर इसको लोग चुनाव यात्रा कहें तो फिर इसमें ऐतराज क्यों सुरेंद्र भाई? सुरेंद्र जी मुझे आवाज आपकी कम आ रही है इधर। मैंने आप सुन लीजिए गौर से, विजय बहुगुणा जी भी सक्रिय हो गए, वो भी तलवार हाथ में लेके भांज रहे हैं भाजपा। विजय बहुगुणा जी हमारे सम्मानित नेता हैं। मेरा सवाल पूरा नहीं सुना, आप शुरू हो गए। आपके साथ यही प्रॉब्लम है, सवाल नहीं सुनते हो शुरू हो जाते हो मालिक। अभी आपने जब मैंने इतना लंबा सवाल पूछा तो आपके मेरे पास आवाज नहीं आई, जब मैंने दोबारा सवाल पूछा तो आप शुरू हो गए। सवाल तो सुन लो मित्र, सरकार पर आरोप लगते हैं, इस पर भी लग रहे, भाजपा कुछ बातें उठा रही है,
आपके पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भी खड़े हो गए मैदान में ताल ठोक कर। ऐसे में अगर कुछ ये भाजपा ये कहती है कि ये चुनाव यात्रा है तो इसमें एतराज नहीं होना चाहिए, चुनाव यात्रा में क्या बुराई है? सुरेंद्र जी, मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि वो जनता के पास जाकर जमीनी हकीकत जानने का प्रयास करेंगे, जनता से फीडबैक लेंगे, जनता से सीधा संवाद रखेंगे और ये जनसंपर्क यात्रा के रूप में 6 चरणों में उन्होंने अपनी यात्रा की घोषणा की है। इस पे भाजपा को काहे को ऐतराज हो रहा है? मैं समझता हूँ भाजपा का जो ऐतराज है वो ऐतराज ऐसी है कि उनको लगता यह है कि 2017 में भी जिस प्रकार से हरीश रावत जी सीधे सीधे जनता से संपर्क कर रहे हैं उनका सफाया होने वाला है। उस सफाया ठीक है, बीजेपी का जो आरोप है, बीजेपी भोला सिंह चौहान जी जवाब देंगे, लेकिन सुरेंद्र जी मुख्यमंत्री तो जिम्मेदारी नौकरशाहों को दी थी, मंत्रियों को कहा था आप पहाड़ पर जाओ, जो योजनाएं चल रही हैं लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो जाकर देखें, फिर अब खुद मुख्यमंत्री हमारे अधिकारी भी गए, यात्रियों पर विश्वास नहीं है, या फिर मुख्यमंत्री की बात को वो लोग नहीं माने जिसके चलते मुख्यमंत्री को हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं भी जा रहे हैं, सब जाओ जाते भी रहो, जाना भी चाहिए। सुरेंद्र जी एक बात बताओ, जब आप पूरे प्रदेश में घूम के आओगे समय लगेगा, एक दिन की यात्रा तो है नहीं, मुझे पता नहीं कितने दिन का टूर बनाया, लेकिन लंबा कार्यक्रम होगा गांव गांव जाने का। जो आपको कमियां और शिकायतें मिलेंगी, सरकार के पास उतना समय होगा क्या कि फिर उनको दुरुस्त कर लिया जाए? मान लीजिए मिल गई कमियां और शिकायतें, ले आए आप कागज पत्र, लौट के जब देहरादून आए तब तक नगाड़ा बज रहा होगा चुनाव का, क्या उतना समय होगा सरकार के पास कि उनका निस्तारण हो पाए शिकायतों का और कमियों को दुरुस्त कर पाए? ये मैं पूछ रहा हूं सुरेंद्र भाई। अमिताभ जी ये चुनाव को देखकर तो जनसंपर्क यात्रा हमारी रखी नहीं गई है। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी वैसे भी जनसरोकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं, वो तो जनता से सीधा संवाद हमेशा रखते आए, और यदि अपने सरकार के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करना चाहते हैं, जनता से उसका फीडबैक लेना चाहते हैं, तो भाजपा नेताओं को तो इस पर कोई डर नहीं होना चाहिए। भाजपा के जो तमाम नेता है आजकल कबड्डी भी, मैंने दूसरा सवाल भी, फुटबॉल भी अपने घर के अंदर एक साथ खेल रहे हैं। सुरेंद्र भाई मैंने सवाल दूसरा पूछा, राहुल जी का नाम सुबह शाम दिन भर जब तक ये जप ना लें इनको चैन नहीं आती है। मैंने अच्छी बात, बहुत लोग आपको खुश होना चाहिए, वो इतने लोकप्रिय हैं कि सब लोग उनका नाम जप रहे हैं। मैंने सवाल दूसरा तो पूछा, बहुत खुश है जैसे ये नाम जपते हैं रुद्रपुर में, तो इन्होंने अच्छी बात का एजेंडा पास किया, जब तक हरीश रावत मुख्यमंत्री है तब तक भाजपा की वापसी संभव नहीं है। सुरेंद्र जी तो ये उसी के तहत हरीश रावत जी का फोबिया इन्हें हो जाता है। रुको ना भाई, ये भगुना जी हमारे बहुत सम्मानित नेता है और हमारे कांग्रेस में तो हरेक को अपने सुझाव देने का अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको अधिकार बड़े बड़े महारथी हैं वो तो चुप होकर बैठे हैं, जो आपके मार्गदर्शन मंडल के लोग हैं वो बिहार के बाद आपको मार्गदर्शक बने हो गए क्या? में भी आपने रास्ता को नहीं समझा, बिहार का जो रास्ता मिला है उसका भी सफल रहे हैं। आप बोलते हैं सुरेंद्र जी कि पॉज नहीं लेते, आपका कोई ऐसा बटन नहीं जो पॉज हो थोड़ा? आप है सर सुरेंद्र जी, नहीं मेरा निवेदन तो आप ठुकरा देते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं साहब जी, मैं मुन्ना जा रहे। कम से कम एक बात साफ हुई जो मैं समझ पाया कि विजय बहुगुणा जी को आपने मार्गदर्शक मंडल वाली भूमिका दे दी, और मार्गदर्शक मंडल वालों की आजकल बड़ी दुर्गति है ये जान लो सुरेंद्र जी, राजनीति के बाजार में मार्गदर्शक मंडल कोई नहीं पूछ रहा, क्या आपने विजय बहुगुणा जी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया? मुन्ना सुरेंद्र जी को समय लगेगा सवाल के जवाब में। मुन्ना सिंह जी क्या कह रहे थे आप? नहीं मैं ये कह रहा था अमिताभ जी, हम विपक्ष में बैठे हैं, ये जब यात्रा निकालेंगे 6 चरणों में निकालेंगे 6 महीने लगेंगे, 9 महीने सरकार का कार्यकाली समय बचा हुआ है, घूमेंगे 2 साल तक इनको होश नहीं आई, और फिर सुरेंद्र जी जैसे लोग हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि खबरदार आप इस सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में मत बोलना, खबरदार इस सरकार की अकर्मणीयता के बारे में मत बोलना, चोरी चकारी के बारे में मत बोलना, जो सिर फुटबल है उसके बारे में मत बोलना, जो कुछ हो नहीं रहा है उसके बारे में कुछ, हम आरती उतारे क्या इनके जाकर के? हमारी सरकार की आरती नहीं उतारने वाले हैं। और सुन लीजिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं जी, हरीश रावत जी और कांग्रेस ने आज हालत यह है, जब ये सांसद थे, जब मंत्री थे, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, तब भी ये चिट्ठी लिख करके काम चलाते थे, इनकी आदत फिर भी नहीं छूटी,
अब ये मुख्यमंत्री होकर भी भारत सरकार को केवल चिट्ठियां लिख के काम चलाते हैं। यदि सब कुछ भारत सरकार को करना है तो हरीश रावत जी कहें मेरे बस का उत्तराखंड चलाना है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है वही प्रदेश में भी चलाएंगे, हम चलाएंगे। ये कौन सा इन्होंने मजाक बना करके रख दिया। ये अभी मैं आपको कल की बात बता रहा हूं, एक नैनबाग जगह है टिहरी जिले में, वहां ये जाते हैं, गांव वाले मांगोगे इनको पुलिंदा देते हैं। अमिताभ जी जी जी, जरा आपका तजुर्बा शायद हमसे ज्यादा होगा जी, मुख्यमंत्री जी मंच से कहते हैं उन घोषणाओं को उन मांग पत्रों पे नजर डाले बिना कि जो कुछ आपने मुझे कागजों का बंडल दिया ये मैं सब स्वीकार करता हूं। अरे ऐसा अल्लादीन का चिराग, ऐसा पारस का पत्थर यदि हरीश रावत जी के पास है तब तो सारे दुनिया में इनसे बड़ा कोई विशेषज्ञ है नहीं, कि हाथ में कागज पकड़े बिना देखे जाए सारी मंजूर जी। तो ऐसी हरीश रावत जी घोषणाओं का ऐसी लफा जी की सरकार अपने ये मुन्ना सिंह जी पापों को आपने बड़ी मौजूद बात कही थी सुरेंद्र भाई, मेरा सर नहीं नहीं चिट्ठी पर नहीं कर रहे हैं सुरेंद्र जी, नहीं आज महारथियों को संसद में भेजा है वो आज मैंने फिर कहा पोस्ट नहीं लेते महारथी कोई चुप नहीं है, लेकिन इस तरह गैर जिम्मेदाराना मैंने फिर कहा पोस्ट नहीं लेते आएंगे बोलोगे तो सुरेंद्र जी बुलाएंगे वो भेजाएंगे सुरेंद्र जी ना बोलते सुरेंद्र जी हरे बने बैठे हैं वहां दिल्ली में सुरेंद्र जी सुरेंद्र अग्रवाल जी मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार साहब, मैंने आप निवेदन किया था आप पोस्ट नहीं लेते, जब तक मैं पकड़ू तब तक तो आप बहुत दूर निकल जाते हैं। आप इनको पानी पी पी के कोसेंगे तो मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप उनके लिए नहीं बुलाया हमने, हमने यहां के सवालों के लिए आपको आमंत्रित किया। मित्र एक बड़ी बात मुन्ना सिंह जी ने कही कि 100-200 कागज हाथ में आए उनका अध्ययन किए बिना क्या ऐसा हो रहा है कि सारी बातें मंजूर, अगर हां तो ये व्यवहारिक नहीं है। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे, ये पता नहीं कहां से क्या बोल गए मुन्ना भाई। मुन्ना भाई आजकल जो है सारा ध्यान वो भी हरीश रावत जी पे लगा। अच्छा सुरेंद्र जी यही देखने तो नहीं निकले मुख्यमंत्री कि उन्होंने कौन सी घोषणाओं को स्वीकार किया वो पूरी हुई भी कि नहीं, चिंता जायज है, हमें सहानुभूति है इनकी चिंता के ऊपर इनके साथ। नहीं नहीं आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया अमिताभ जी, मैं सुरेंद्र जी नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा मान्यवर। नहीं नहीं आप तो अपने वक्त से ज्यादा बोली लेते, उत्तर आपने नहीं दिया मेरे सवाल का सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी ये जो घूम के आएंगे उसको काम को करेंगे कब, नहीं वही तो आपको बताने की थोड़ी जरूरत है, तो जनता को बताएंगे, जनता की अदालत तय कर देगी। आप आपकी चिंता जायज है अपने भविष्य के प्रति, ये मैं मानता हूँ। और सुरेंद्र जी एक बड़ा आरोप मुन्ना सिंह जी ने लगाया है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस बार भी विपक्ष में रहे भाजपा के तमाम नेतागण, जिस सुरेंद्र जी कुछ नहीं होने वाला, क्या आवाज मिल पा रही है आपको, कैंटीन और फलानी कैंटीन कुछ नहीं होने वाला है, उत्तराखंड कोई भिखारियों की जमात नहीं है कि इंदिरा अम्मा कैंटीन खोल दो और उससे लोग वोट दे देंगे। हाँ शराब सिंडिकेट से पैसा ले आओ और चुनाव लिया रंगा तो आप पकड़े गए, आपके मुख्यमंत्री का सचिव पकड़े गए, आपकी तो रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री के नाम पे पैसा देते हुए पकड़ा गया, पैसा लेकर हाई कोर्ट ने यारों पे मोहर लगा दी। सुरेंद्र जी क्या आपको आवाज मिल पा रही है? सुरेंद्र जी हाँ बताएं, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। एक बड़ा आरोप मुन्ना सिंह चौहान की तरफ से लगाया गया है कि मुख्यमंत्री बिना देखे ही जो भी मांगों के बंडल है उनको स्वीकार करें, और वैसे भी हरीश रावत उन मुख्यमंत्रियों में आते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा घोषणाएं की है, तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है? दिन में भी इनके आरोप कहां से सही हो जाएगा? ये लोग ये तो सवाल सुना नहीं, पहले खारिज कर दिया, एक झूठ को 100 बार बोलो 1000 बार बोलो जो ठीक है ठीक है, इनके तो ट्रेनिंग कैंप ठीक है सुरेंद्र जी रुद्रपुर में जी 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 कैंप अमिताभ जी तय हुआ था कि सुरेंद्र जी आपकी बात आ गई, मंत्री हैं इस प्रदेश के तो भाजपा की वापसी संभव नहीं है, ये उसी डर आपके जवाब का कोई औचित्य नहीं, आपने बिना सुने सवाल और फिर जवाब देना शुरू कर दिया। नहीं मैंने तो आपको जवाब दे दिया कि असत्य कह रहे हैं, ये असत्य कह रहे हैं। ठीक है अच्छा ठीक है सुरेंद्र जी आगे बात प्रणाम आगे बात, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पानी वानी पीजिए है ना, ऊर्जा रहनी भी चाहिए, ठंड का मौसम है। कोई मुख्यमंत्री हो कोई सरकार हो सुरेंद्र भाई, अगर यूं ही चलते फिरते आश्वासन बांटे जाने लगे तो आश्वासन बौने हो जाते हैं, फिर वचन का जो की जो गंभीरता है ना उसकी जो तासीर है वो खत्म हो जाती है। मैं नामों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बहुत ज्यादा आप घोषणावीर हो जाए ना तो आपको याद नहीं रहता मंगल को कि मैंने सोमवार को कितनी घोषणाएं की थी,
किस चौराहे पर क्या बोल आया पता ही नहीं रहता, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। ये मुन्ना सिंह जी की सलाह नहीं, ये अमिताभ अग्निहोत्री की सलाह है, इसको गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरी सलाह में कोई मिलावट नहीं। मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं, भाजपा तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगी, मैं तो लड़ूंगा नहीं। बहुत ज्यादा योजनाएं जब हो जाती है ना सुरेंद्र भाई, तो हाथी को गन्ना दिखा के फिर गन्ना नहीं दोगे तो हाथी पटक लेता है, ये तो पता है ना अपने को। इतनी योजनाएं उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, मैं हमेशा मुख्यमंत्रियों के इस अदा से हैरान रहा। सुबह दोपहर शाम हर घंटे के आधार पर 5-7 घोषणा ठोके हुए हर मुख्यमंत्री, पता लगता है 2 साल का कार्यकाल मिला 6,000-8,000 घोषणाएं हो गई। सारी घोषणाओं को अगर सुरेंद्र भाई जोड़ देना मुन्ना सिंह जी अब तक के मुख्यमंत्रियों की, तो भारत अमेरिका ब्रिटेन जापान फ्रांस को मिला के जितनी घोषणाएं नहीं हुई होंगी उतनी अकेले उत्तराखंड में हो गई होंगी, अगर सारी जोड़ दे सारे मुख्यमंत्रियों की, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। गिनीज बुक के लिए आवेदन दो सारे स्वामी जी से लेके और आज तक के मुख्यमंत्री जी की अगर योजना घोषणाएं जोड़ दें। मुझे पता नहीं उत्तराखंड में इसका कहीं हिसाब भी कोई बाबू रखता है कि मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की, ये नहीं वो भी बंद कर दिया क्या, क्योंकि घोषणाएं इस रफ्तार से होती हैं। और अगर घोषणाएं अमल हो रही होती सुरेंद्र भाई, तो उत्तराखंड को कैसा हो जाना चाहिए था मालूम है? मसला हरीश जी का नहीं, अब तक कैसा हो जाना चाहिए था 15 साल में? दै तुलसी ने लिखा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं का हुई व्यापा, दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्त हो जाता उत्तराखंड अब तक। घोषणाएं तो इतनी हो गई और इतनी मुग्ध करने वाली घोषणाएं, उन पर अमल नहीं होता। अभी तो उनके आंसू नहीं सूखे जिन्होंने अपने बच्चों को अपने परिजनों को कुर्बान कर दिया इस राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन में, क्या उनके आंसू हम पहुंच पाए घोषणाओं का? क्या करें, क्या पहाड़ पर जवानी और पानी रोक पाए घोषणाओं का ओढ़े की बिछाएं, क्या अस्पताल में डॉक्टर और स्कूल में मास्टर तैनात कर पाए? नहीं तो घोषणाओं का क्या करें? नए स्कूल खुलेंगे छोड़ दीजिए, मेरी कोई रुचि नहीं उस घोषणा में। ये बताओ पुराने में मास्टर क्यों नहीं? बोले नए अस्पताल खोलेंगे 100 बेड का, मेरी रुचि नहीं। मैं पूछ रहा हूं जो 10 बेड का अस्पताल चल रहा है कस्बे में उसमें डॉक्टर क्यों नहीं? हर वर्ग हड़ताल पर क्यों चला जाता उत्तराखंड में हर 2 महीने में? हड़ताल प्रदेश बन गया, जब राज्य बन रहा था तो कहा गया था ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, कहां गई ऊर्जा, निकल गई ऊर्जा, केवल एक सरकार का नहीं सबकी बात कह रहा हूं, कहां है ऊर्जा प्रदेश? हिमाचल जैसे छोटे राज्य ने अपने लिए अपने आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया, उत्तराखंड के पास कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं कि क्या करना चाहते हैं, हम क्या पहचान बनाना चाहते हैं सूबे की, कुछ नहीं पता। बोले तदर्थ आधार पर भाषण देंगे, जो जैसा मौसम दिख जाएगा वैसे बोलेंगे, ताल ठोकेंगे, आगे निकल जाएंगे, ऐसे चलाएंगे सूबा। हिमाचल को तो देखिए, मैं कहां कह रहा हूं, आप तमिलनाडु को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, अपने जैसे मिजाज वाले, अपने जैसे मौसम वाले, अपने जैसे भौगोलिक स्थिति वाले हिमाचल को ही देख लीजिए ना, वो टोपी बेच के भी सैकड़ों करोड़ रुपया कमा रहा है, उसने टोपी को भी एक ब्रांड बना दिया। उत्तराखंड ने किसको ब्रांड में क्या बनाया? आप शराब की लड़ाई में उलझे हो, आप खनन की लड़ाई में उलझे हो, सब लोग शराब और खनन से ऊपर सोच ही नहीं रहे ना, उससे ऊपर उठेंगे तो कोई काम की बात निकल के सामने आएगी भाई, नहीं हो रहा। इसलिए जो 1.25 करोड़ की आबादी है वो दुखी है, पहाड़ नंगे हो गए, पहाड़ छोटे हो गए, पहाड़ आंसू से रो रहे हैं, मैदान आबादी के घनत्व से कराहा रहा है। नेता अधिकारी पैसे वाला नंबर 1 नंबर 2 सारे बवाली मैदान में, पहाड़ खाली है ना, और ये पहाड़ी राज्य है, कहें ये आप बोनस मांगते हो पहाड़ी राज्य के नाम पर और पहाड़ को देते कुछ नहीं ना, जब भी आप हाथ फैलाते हो तो यही कहते हो पहाड़ी राज्य है इसलिए दो। पहाड़ों को क्या दिया 15 सालों में बता दीजिए, पहाड़ों को क्या दिया? और अगर पहाड़ों को मिल रहा है तो पहाड़ों पर पलायन क्यों है? न पानी रुक रहा है न जवानी रुक रही है। सुरेंद्र भाई इस पर भाजपा कांग्रेस दोनों की लीडरशिप को सोचना चाहिए, गुनहगार दोनों हैं बराबर बराबर,
19-20 का फर्क होगा, लेकिन गुनहगार सब हो। ना 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 ना, आप संत नहीं ऐसा मत कहिए, आप भी संत नहीं, गुनहगार दोनों हैं। ऐसा हो सकता है ये 48 हो आप 52 हो, ये 52 हो आप 48 हो, इससे ज्यादा का फर्क नहीं मित्र। नहीं तो फिर मुख्यमंत्रियों के नाम और कार्यकाल लेके बताना शुरू करूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, और अगर हुआ होता तो मुझे दिखता नहीं, गांव के ननकू को भी दिखता, फिर घोषणाओं की जरूरत कहां पड़ती। भरा हुए पेट को खाना थोड़े ना चाहिए होता है, वो तो भरे ही पेट है। ये भूखा क्यों है प्रदेश, उदास क्यों है प्रदेश, अनमयस्क क्यों है, इसकी आंख में आंसू क्यों है, इसकी तह में जाइए मित्र, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुन्ना सिंह चौहान जी आपका, सुरेंद्र जी आपका, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।